हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि GTA Vice City गेम में कार स्पॉनर मोड को कैसे इंस्टॉल करना है। पर अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में प्रेस करो बेल आइकन ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करो। तो बढ़ते हैं हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ। तो आपको दोनों फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हमें दोनों फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है और अब आपको क्लियो वाला फोल्डर ओपन कर लेना है। यहाँ पर इन फाइल्स को कॉपी कर लेना है। इसके बाद इन्हें GTA Vice City के गेम फोल्डर में जाकर पेस्ट कर देना है। अगर आपके गेम में क्लियो पहले से इंस्टॉल्ड है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो अब हम Vice City के कार स्पॉनर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक ही रहने देना है। इसके बाद अपना GTA Vice City गेम फोल्डर ब्राउज कर लेना है, यानी कि आपका गेम जहाँ पर भी रखा हुआ है उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और अब ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है और अब आपको फिनिश पे क्लिक कर लेना है। तो कार स्पॉनर मोड इंस्टॉल हो चुका है और अब मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा गेम ओपन हो चुका है और अब मैं साइड में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको G+H प्रेस करना है जिसके बाद मेन्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ पर M और N प्रेस करके आप कार सेलेक्ट कर सकते हो। कार सेलेक्ट करने के बाद आपको F या फिर एंटर प्रेस कर देना है जिसके बाद मेन्यू क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरह कार स्पॉनर मोड को यूज करते हैं। और एक बार मैं यूज करके दिखाता हूँ। G+H प्रेस करने से ओपन हो जाता है, M और N कार सेलेक्ट करने के लिए। और इसके बाद एंटर। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मॉडिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।